नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। UP24 न्यूज का खास प्रोग्राम जनता आपको वोट क्यों दे को लेकर आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 48 में। यहां पर कांग्रेस के पार्षद, महिला प्रत्याशी और क्षेत्रीय जनता से हमारी संवाददाता ने की बात और उनकी समस्याओं को जाना। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता आपको वोट क्यों दे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की पार्षद महिला प्रत्याशी गुड़िया बेगम, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनता उनसे किस तरीके की उम्मीद लगाए बैठी है और किस तरीके से उनको जिताया और किस तरीके से आप उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप जीतने के बाद क्या उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। हमारा काम देख के, हमारे शोहर का 5 साल से जिस मेहनत में लगे हुए हैं, वो मेहनत देख के जनता ने हमें चुना है कि आप खड़े हो, हमारा वोट आपको जाएगा। और जो समस्याएं पानी की हैं, जैसे गली कूचे खड्डे हैं, बड़े बूढ़ों को दिक्कतें हुए निकलने बैठने में, उसको ही सही करने को, सुधार लाने के लिए जनता ने हमें चुना है। वो कहा, यहाँ पे जनता ने खुद से और खुद की मर्जी से आपको मतलब खड़ा किया उम्मीदवार। हाँ जी, हाँ, जनता ने हमें इसीलिए खड़ा करा है कि हम जीत जाए, कुछ करें जनता के लिए। मोहम्मद गुलशन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता के लिए काम किया है। अब ये क्षेत्र जनता, लेबर कानून की जनता है, ये चाहती है अपने मत से, यानी अपनी मर्जी से मुझे इलेक्शन लाना चाहती है। इन जनता का ये पैगाम, संदेश है कि हमारा जो प्रत्याशी हो, हमारा जो प्रतिनिधि हो, वो हमारे बीच का हो और हमारी समस्या को सुनने वाला हो। इसलिए जनता का फैसला है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और ये इलेक्शन जीत के नगर निगम पहुंचूं और उनकी समस्या को समाधान करूं। यही हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय जनता भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो पार्षद प्रत्याशी को, वो उनकी मर्जी से जो पार्षद प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी ये समस्या? यहाँ बहुत समस्याएं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं और पानी की भी समस्या है। ये समस्याएं सब दूर होनी चाहिए, मैं इसलिए चाहता हूँ। जैसा कि अभी मोहम्मद गुलशन जी ने बताया कि आप लोगों की वजह से ही वो यहाँ पे उम्मीदवार हुए हैं, तो ये इस मतलब आपको कितना भरोसा है उन पे कि वो आपकी समस्याओं को कितना दूर करेंगे, कैसे हल करेंगे? पूरा भरोसा है वो समस्याएं दूर कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे ही शख्स को वोट देना चाहिए जो समस्या दूर करे, ना कि उसको मिस यूज करे पैसे का सही जगह लगा जहाँ के लिए दिया जाए, इस तरह से उसका यूज करना चाहिए। यहाँ पे बात यहाँ पे है, सबसे मेन मुद्दा है सड़क बहुत खराब है। यही हम पार्षद से बात करते हैं, जनता से बात करने के बाद, जैसा कि यहाँ पे बात करने के बाद पता चला कि उनको सड़क को लेके, सड़क बहुत खराब है, जिस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या, जो भी जनता की समस्या है उन समस्या को ध्यान में रखते हुए उस पर काम किया जाएगा और ये सारे मसले हर व्यक्ति से पूछकर, जिसके क्षेत्र में जो समस्या है उसको पूछकर उसको साथ लेकर ही काम किया जाएगा। ये हमारे साथ और भी जनता मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनको किस तरीके के पार्षद प्रत्याशी को उम्मीद है जो उनकी समस्याओं को दूर करेगा। किस तरीके के पार्षद प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं, क्या उनसे उम्मीद लगाते हैं, किस तरीके के पार्षद को आप चाहते हैं? कमियां दूर हो। किस तरीके की कमी है? पानी का, बिजली का मामला, राशन कार्ड है। यहाँ जैसा कि इनसे बात करने के बाद पता चला है राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उनको राशन कार्ड की जरूरत है। यही हम जो पार्षद उम्मीदवार हैं उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ जनता को राशन कार्ड को लेके काफी परेशानी है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पिछले कुछ वक्त में यहाँ करीब 370 राशन कार्ड बनवाए गए और उसमें समस्या ये भी आई कि कुछ राशन कार्ड ऑनलाइन के द्वारा ऑनलाइन हुए लोग हैं। जनता और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जमीरुद्दीन। आपको यहाँ किस तरीके पार्षद से उम्मीद, क्या है, क्या चाहते हैं आप, किस तरीके के पार्षद को वोट देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो जो मोहम्मद गुलशन अपने 48 से खड़े हुए हैं, हमें ऐसी पार्षद चाहिए जो हम लोग के बीच में रह के काम कर सके, और आधे से ज़्यादा समस्या इन्होंने अपने ही दम पे हल कराई हैं, और इन्हें अगर पावर मिल जाएगी, पार्षद बन जाएंगे, तो हमारी सभी समस्या को जो पूरा कर सकती हैं। काफ़ी ईमानदार हैं, काफ़ी अच्छी हैं और इनसे जनता को काफ़ी उम्मीद है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद गुलशन खुद खड़े नहीं हुए, यहाँ की जनता ने इन्हें खड़ा करा। यहाँ जैसा कि इनका कहना है, ये जनता की वजह से ये उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनकी वजह से जनता को उन पे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि उनको पूरा करेंगे। यही हम बात करते हैं और भी जनता मौजूद है। आपका नाम? फरहानुद्दीन जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि इन्होंने कहा कि ये जो पार्षद प्रत्याशी गुलशन जी हैं, उन्होंने काफी समस्याओं को हल कराया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? गुलशन भाई काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक यही चाहती है कि हमारा ऐसा प्रत्याशी हो हमारे बीच में काम कर सके, और हमें गुलशन भाई से पूरी उम्मीद है अगर वो पार्षद बनते हैं
तो उसके बाद हमारी सब समस्याएं सुन सकते हैं। यहाँ क्षेत्रीय जनता से बात करने के बाद पता चला कि उनको अपने पार्षद से उम्मीदें हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी उम्मीदों पे वो पार्षद प्रत्याशी खरे उतरेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? रहमत खान जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि यहाँ पे कहा है, लोगों का कहना है कि यहाँ आप लोगों की वजह से ही वो उम्मीदवार बने हैं, खड़े हुए हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, सब जनता ने चाहा है इनको, इसलिए खड़े हुए हैं। समस्याएं बहुत गंभीर हैं यहाँ पे। वर्षों पुरानी सीवर लाइन है जो कभी पीने के पानी में अटैच हो जाती है, सीवर का पानी लोगों के घरों में आता है। तमाम थोड़ा सा काम जो है जो कभी रामलीला के दौर में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो नई आबादी है वो आज तक नरकीय जीवन में है। बिल्कुल काम बहुत बाकी है। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब जो सीवर लाइन है वो सही कराई जाए पानी को लेकर? बिल्कुल, सारी समस्याएं हैं पानी की है। सीवर लाइन में जो अटैच हो जाती है पानी, पीने के पानी से, वो है। आगे नई आबादी में जो क्षेत्र है उसकी गलियां हैं, रोड है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो यहाँ की जनता नरकीय जीवन जीने की मजबूर है। यहाँ पे जो नई आबादी सिटी शहर है, जगह है, वहाँ की जनता जो है बहुत बुरी तरीके से जी रही है। यही हम पार्षद से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो नई आबादी जो जगह है वहाँ पे उनकी जनता को किस तरीके से विश्वास दिलाएंगे। नई आबादी है, पानी समस्या, ये बात सही है और हमने इसके लिए प्रयास भी किए। भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे जो सीवर लाइन है वो बीच में टूट जाती है, गंदा पानी आता है, तो उस बारे में आप जीतने के बाद क्या वो सही कराएंगे? हाँ, उस पूरी सीवर लाइन को पूरी चेक कराएंगे कि वो फोल्ड कहाँ से है। उसमें कई फोल्ड हैं, वो कहीं कहीं से फोल्ड होती है, उसको वो डेंट पेंट हो जाती है, लेकिन वो पूरी जो पाइप लाइन है वो फिट नहीं है पूरी। तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि नई आबादी जो पानी की समस्या है उसमें एक ट्यूबवेल मंजूर है, उसमें एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है, उसको कम्प्लीट कराएंगे, हम पानी की शुरुआत कराएंगे। को सबसे ज्यादा परेशानी है राशन कार्ड और सड़क। यहाँ उनको जो राशन कार्ड है सरकार की तरफ से रुके हुए है, सड़क खुद जाती है यहाँ पे, पर कोई उनको देखभाल नहीं है कि यहाँ किस तरीके से सड़क खुदी हुई है, उनको ठीक नहीं कराया गया है। तो मौजूद है वार्ड नंबर 48 में और वहाँ की जनता से बात करने के बाद यहाँ की समस्याओं का पता किया। कल फिर मुलाकात होगी नए वार्ड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।